चार हजार के अंदर आप सभी लोगों को पूरे पिछले दस साल के पेपर वन और पेपर टू कंप्यूटर साइंस के सारे सवाल करवा रही हूँ हर एजुकेटर अपना अपना पेपर टू करवा रहा है मैं आपको पूरा पेपर वन करवा रही हूँ इससे बेस्ट रिविजन आपका कुछ नहीं हो सकता स्पेशली ऑफलाइन पेपर्स के लिए क्योंकि निकलने चाहिए नजर के सामने से ज्यादा क्वेश्चन ठीक है तो जे अड्डा पे आप सभी लोगों की क्लासेस होती है जो बच्चे दिसंबर कोर्स के लिए एनरोल करना चाहते हैं जो चाहते हैं कि वो हमारे साथ में दिसंबर बैच के लिए भी तैयारी करें तो मैं आप सब लोगों को ये भी बता देती हूँ कि पूरा दिसंबर का कोर्स स्ट्रक्चर मैंने आज प्लान करा है और आप सभी लोगों के लिए कोर्स जो है वो ऑलरेडी आपको एप्लीकेशन पे दिखने लग जाएगा कल से अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो पूरा ग्रेट लाइव प्लेटफॉर्म के साथ पढ़ना चाहते हो दिसंबर दो के लिए तो आप लोग आ सकते हो डेली क्विज होते हैं यहाँ पर इंटरव्यूज के लिए आप लोगों को गाइड किया जाएगा लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं पूरा पूरा वीडियो कोर्स और ये इस बार पूरा लाइव मिलेगा नॉट इवन अ सिंगल रिकॉर्डिंग ठीक है देन आपकी पूरी टेस्ट सीरीज पेपर वन प्लस पेपर टू की पेपर वन प्लस पेपर टू का हैंडबुक सब कुछ मिलेगा इग्निशन बैच अभी ऑलरेडी चल रहा है अगर आप लास्ट के पचास दिन चालीस दिन को मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहते हो इग्निशन से बेस्ट कुछ नहीं है यही क्रैश कोर्स है यही रिविजन कोर्स है पिछले दस साल के प्रीवियस ईयर से बेटर कुछ नहीं ये बच्चोर बच्चे हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति इसलिए हो चुकी है क्योंकि ये जो है ये रिपीटर्स हैं ये क्या है ये रिपीटर्स है और जो रिपीटर्स होते हैं उनकी दो बस मेन चीजें होती है सबसे पहले उनको ये पता होना चाहिए कि उनकी जो गलती थी वो पिछले एग्जाम में क्या हुई और दूसरी इनको ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे अपना रेंज और स्कोर बढ़ाना है मान लो आपके 178 आए थे और आपकी कट ऑफ वन गई थी तो ये जो आप लोगों के छः नंबर है ये जो मुझे बढ़ाने हैं छः नंबर ये छः नंबर बढ़ाने के लिए मुझे कौन सा टॉपिक इंक्लूड करना है या कौन सा टॉपिक में कौन सा वाला पार्ट जो मेरा गलत हुआ था वो मुझे सही करना है ये वो वाले बच्चे हैं जिन पर आप सभी लोगों को अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो सबसे कम मेहनत एक टीचर को करनी होती है या कुल मिला के इनको सबसे कम मेहनत करनी होती है क्योंकि इन्होंने पहले चीजें करी हुई है इनके लिए है प्रैक्टिस वाला पार्ट देखो सभी के लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है सभी के लिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है बट मैं क्यों सबको एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर पार्ट पे लेके जाती हूँ देखो इनके लिए स्टार्टिंग वाला फेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे अच्छा ये सीखेंगे मैं आपको फिर कहती हूँ जितना फर्स्ट टाइमर का रिजल्ट अच्छा होता है यूजीसी नेट एग्जाम में उतना शायद ही रिपीटर्स का होता होगा ठीक है ना ये आप नोटिस करिएगा जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं वो ज्यादा सिलेक्शन देते हैं वो इसीलिए देते हैं क्योंकि ये जो है ये स्ट्रेटेजिकली चलते हैं और इनको पता है कि यार मेरे को ये करना है कम करना है पर मेरे को अच्छे से करके जाना है और मुझे कुछ नहीं आता है तो एकदम बेसिक तरीके से चलते हैं बेसिक्स जितने अच्छे आपके इंप्रूव रहेंगे एकदम फ्रेशन अप रहोगे उतना बढ़िया है इनके साथ में जो है वो प्रैक्टिस में क्यों बोल रही हूँ इन्होंने पेपर देखा है इन्होंने एक बार तैयारी भी करी है इन्होंने अच्छे से चीजों को समझा भी है इनको अपने नंबर या बढ़ाने हैं या जो सिली मिस्टेक्स है है उनको कट करना है। उसके लिए प्रैक्टिस से ज्यादा कुछ नहीं है जैसे कि मॉक टेस्ट टेस्ट आपको लगाने है, टेस्ट लगाने हैं हैं सीरीज टाइमर के साथ टेस्ट सीरीज लगाने हैं अगर आपको लगता है कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जैसे मुझे इंक्रीज करना है जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड है रिसर्च एप्टीट्यूड में आपके थ्योरी तो समझ में आ जाती है पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो हमको ये ट्राई करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा उस टॉपिक को सॉल्व करने पे लेके प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोग सीखे कैसे हम लोग कर सकते हैं चॉइस एलिमिनेशन हम लोग सीखे कम समय के अंदर ज्यादा कैसे पढ़ सकते हैं किसी चीज को उन पे ध्यान दे रीडिंग कॉन्सेंट्रेशन कैसे इंप्रूव करें डिसेंट्रलाइजेशन करना है यानी कि आप लोगों ने अपना जो ये तीनों डिविजन किए टॉपिक वाइज उनमें डिसेंट्रलाइजेशन टेक्निक लगानी है दिन को अपने डिवाइड करना है मैं हमेशा करती थी कि एक समय पर केवल पेपर वन पढ़ती थी और एक समय पर केवल पेपर टू जैसे कि सुबह के टाइम पे एक शाम के टाइम पे एक मैंने पेपर वन बहुत कम पढ़ा था जैसा मैंने आपको बताया अपनी तैयारी के समय बट हाँ डिविजन मैं इसी तरीके से करती थी कि एक समय पर अगर कोई एक टॉपिक पढ़ दो तो उसी टॉपिक को कवर करती थी बीच में खिचड़ी नहीं बनाती थी तो आपको आपके टाइम का डिसेंट्रलाइजेशन करना भी आना जरूरी है और एप्ट टेक्निक मैंने आप लोगों को बताई तीनों के लिए ही कि अलग अलग टेक्निक क्या होती है पहले अच्छे से पढ़ो अच्छे से पढ़ने के बाद मतलब प्रैक्टिस करनी है अब आती है कि ये सब करने के बाद भी क्या बच जाता है तो बच जाता है हमारा जेएमडी और जेएमडी का मतलब है जय माता दी ठीक है ना ये सब करने के बाद जो ये जय माता दी वाला फेज है ये आएगा आपका वो तीन घंटे पहले ठीक है ना क्यों बोल रही हूँ मतलब वो एग्जाम के तीन घंटे में क्यों ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन एक रैंडम प्रोबेबिलिटी वाला examination है इसीलिए मैं बोलती हूँ कि कि किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे की राय लेके जरूर काम करना और वो थर्टी परसेंट सबसे पहले कवर करना जिसमें से मैक्सिमम पेपर बनता है जैसे लास्ट ईयर रिसर्च में प्लेग्रिज्म में हर शिफ्ट का या हर शिफ्ट में आप लोग देखो प्लेग्रिजम का सवाल था तो आपको पता है कि प्लेगरिज्म अच्छे से पढ़ना है और किसी भी टॉपिक को ऐसे नहीं करना है कि हाँ प्लेग्रिजम क्या होता है पूरा टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, क्या होते हैं हैं लेवल्स ऑफ क्या क्या प्लेग्रिजम होता है और क्या प्लेग्रिज नहीं होता है चारों चीजें अच्छे से समझनी है क्योंकि आपके पास में आएंगे एमएसओस आपके पास में आएंगे यानी मैच द कॉलम मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन और आपके पास में आएंगे असर्शन रीजन तो पेपर तो लेंदी ही आएगा मान के चलिएगा आपकी रीडिंग कॉन्सेंट्रेशन अच्छी होनी चाहिए अब अगले तीस दिन हमको हार्ड को रिविजन को देने हैं जो पढ़े हो उसको पक्का करके जाओ मैंने पिछली बार भी यही डायलॉग मारा था कम पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो आप दस हजार टॉपिक पढ़ के चले जाओ एक एक बार मुझे नहीं लगता एग्जाम में वो काम आएंगे आप डेढ़ सौ टॉपिक पढ़ के जाओ हर टॉपिक को तीन बार एटलीस्ट रिवाइज करो आपको वो काम आएगा